ग्राम नूनीखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर से श्री देवी सार जी पुत्र जितेंद्र कुमार आर्य जी जो प्राकृतिक खेती भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। आपको धन्यवाद भैया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा काम करा जी। तो भाइयों, देवेश भाई से पूरी बात भी करवा दी मैंने, और बाकी की आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। ये सामने देख लो, ये भी लग रहा है चौधरी कृपाल सिंह प्राकृतिक कृषि फार्म। जनक है पद्म श्री सुभाष पालेकर जी, और भाइयों प्रेरणा स्रोत है आचार्य देवव्रत, माननीय राज्यपाल गुजरात के जी। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच पर, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं नुन्नीखेड़ा गांव में, जो कि भाइयों मुजफ्फरनगर जिले में खतौली के पास में पड़ता है, घटायन से मिला हुआ गांव है। और भाइयों, आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूं जो भाइयों बिल्कुल युवा किसान है, और जिन्हें जो है उत्कृष्ट, जो ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुरस्कृत किया है किसान, इनका पहला स्थान आया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि युवा किसान जिन्होंने गन्ने की जो खेती है भाइयों पूर्ण तरीके से जहर मुक्त गौ आधारित खेती कर रहे हैं, तो उसमें इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। तो आज मैं भाइयों युवा किसान देवेश आर्य जी से आपको मिलवाऊंगा। और आज की वीडियो में भाइयों, ये देखो सामने इनका मकान है बिल्कुल, और भैया जी से पहले सबसे पहले मिलवा दूँ, एक बार इनका परिचय करवा दूँ, बाकी के इनके कृषि यंत्र, इनका गौधन सब कुछ दिखाएंगे। हाँ जी भैया, क्या हाल है? राम राम भैया, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जी जी, मैं देवेश आर्य, गांव नुन्नीखेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। ठीक है जी। तो भैया जी, लखनऊ गए, कैसा रहा टूर? हमारा टूर काफी अच्छा रहा जी जी। और सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं हमें वहाँ पे मिली। अच्छा अच्छा, सारा आने जाने का खर्चा सब सरकार का था। जी जी, अच्छा अच्छा। मैं कह रहा देवेश भाई, सबसे पहले तो देखो मैं बधाई दूंगा कि आपने एक युवाओं में जो मतलब एक पहला स्थान पूरे उत्तर प्रदेश में आपका आया प्राकृतिक गन्ने की खेती में, ठीक है जी। और वो खेती जो आप बिल्कुल जहर मुक्त गन्ने की खेती कर रहे, और अपना जो है बिल्कुल गौ आधारित खेती कर रहे भाइयों, देसी गोवंश है इनके पास में, सारा कुछ दिखाऊंगा भी वीडियो में आगे। तो भैया जी, इसमें जो इनाम था थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ किस तरीके का था ये युवा गन्ना किसान प्रतियोगिता थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जब से 2018 में योगी सरकार से आई है जी जी। इन्होंने ये उत्कृष्ट कार्य योजना करके एक परियोजना चलाई है, ठीक है जी, जिसमें युवा गन्ना किसान के लिए अलग परियोजना चली है, जिसमें जो हमारे युवा किसान है उनको प्रेरित किया जा सके। अच्छा, और उसी में मुझे युवा गन्ना किसान है प्राकृतिक खेती में गन्ना उत्पादन का पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। ठीक ठीक। तो भाइयों, सबसे पहले तो आप वो क्लिप देखो जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित कर रहे। ग्राम नूनीखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर से श्री देवी सार जी पुत्र जितेंद्र कुमार आर्य जी जो प्राकृतिक खेती भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह से। तो भाइयों, क्लिप आपने देख ली, भैया जी ने देखो, सबसे पहले तो मैं भैया जी को बधाई देना चाहूंगा, आपने इतना अच्छा काम करा। हाँ जी, हाँ जी। तो आज मैं भैया जी को बधाई देने के लिए आया। देखो, किसानों को जो एक अलग करा हट के बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत, बहुत कम उम्र में एक युवा किसान ने इतना अच्छा प्रयास करा। तो भाइयों, सबसे पहले हम भैया जी से जानेंगे। तो भैया जी, जैसे आप खेती कर रहे हैं ट्रेंच से कर रहे हैं पूरा जी भैया, पूर्ण तरीके से ट्रेंच से खेती कर रहे हैं। और भाइयों, सबसे पहले देखो मैं कृषि यंत्र दिखाने का जिसके ऊपर इनकी खेती चल रही है, पूर्णतः गौ आधारित कृषि जो भैया जी कर रहे हैं। ये देखो भाइयों, ये है अपना देसी गोवंश। मैं गाय अमरीकन की, जर्सी, फ्रीजन की बात नहीं कर रहा, ये देसी गोवंश है जिनके गोमूत्र से और गोबर से आप जो है जीव अमृत, घन जीव अमृत, हाँ जी, वो तैयार करके, हाँ जी, हाँ जी, जो आप पूर्णतः प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। सबसे पहले देखो नींव यहाँ से रखी जाती है, कोई भी किसान देखो वैसे ही कह देगा कि भाई हम भी कर रहे प्राकृतिक खेती, हम भी कर रहे, लेकिन भाइयों ये बेस है, ये देसी गोवंश अपना बेस होता है। और भैया जी के पास में तीन है ना जी, प्राकृतिक खेती करने के लिए देसी गोवंश ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल, कुछ फर्जी किसान भी आ रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन बेस पे कुछ नहीं है उनके पास, बस लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो देसी गोवंश बहुत जरूरी है प्राकृतिक। अच्छा भैया जी, एक चीज बताओ, आप जैसे आप देसी मतलब खेती कर रहे,
रासायनिक खेती कितने दिन पहले आपने छोड़ दी थी? हमें 8 साल हो गए। 8 साल होगी एकदम से, तो पूर्णतः प्राकृतिक पे नहीं आ जाता, धीरे धीरे करना पड़ा ना अपना हिसाब। हमने जो शुरुआत करी थी पहले, हमें भी डर था कि नहीं हो पाएगा, लोगों ने भी कहा ऐसा बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने का, तुम फालतू के चक्कर में पड़ रहे। जी जी। पर हमने शुरू में 7 बीघे खेत से अपनी शुरुआत करी थी। अच्छा अच्छा। हमने 1 साल तक हमें भी लगा, क्योंकि जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं थी। जी जी जी। 1 साल तक हमें भी लगा कि हम नहीं कर पाने के। बिल्कुल बिल्कुल। अगले साल फिर हमने उसे 7 बीघे में तैयार किया। ठीक है जी। फिर हमने 3rd साल पूरी अपनी, जो हमारे पास 50 बीघा जमीन है, उसमें हमने तुरंत केमिकल फार्मिंग को छोड़ के प्राकृतिक खेती को अपना लिया। अच्छा अच्छा। और अब लगभग जैसे हमें 8 साल हो चुके हैं। जी जी। और हमारा प्रोडक्शन काफी अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो भैया जी थोड़ा सा तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ। ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं जी, मैं BSc करी है मैंने एग्रीकल्चर से छोटराम कॉलेज से। ठीक है जी। और अब MSc कर रहा हूँ एग्रोनॉमी से। ठीक ठीक। मेरी पढ़ाई भी एग्रीकल्चर की है। पढ़ाई के साथ में अपनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं। हाँ जी। तो भैया जी एक चीज बताओ, जैसे आप प्राकृतिक खेती पे आए, कोई समस्या आपके सामने? शुरू में समस्या आई, पूरी टेक्निक नहीं पता थी हमें। जी, जी, जी। तो उससे हमारा उत्पादन काफी घटा। अच्छा अच्छा। अब जैसे हमें धीरे धीरे करते करते जो समस्या हमारे सामने आई, जी, जी। तो उनका समाधान होता चला गया, नई नई बातें पता चलती गई रिसर्च के अनुसार। जी, जी, जी। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो भी किसान हमारे जुड़ के प्राकृतिक खेती करना चाहेगा, हाँ जी, तो उसका उत्पादन नहीं घटने का, जो नुकसान हमने उठाया वो नुकसान नया किसान नहीं उठाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, अगर कोई भी भाई इस गौ आधारित खेती को करना चाहता हो, या कोई अपने खेती में बदलाव करना चाहता हो पूर्णतः प्राकृतिक खेती, उसमें आप अपने गेहूं से लेकर अपने खाने के लिए चाहे 1-2 बीघा गेहूं बोलो जी, और अपने गुड़ शक्कर या अपना थोड़ा बहुत गन्ना बोना हो, तो किसी भी तरीके से कर सके तो भैया जी इसमें पूरी मदद करेंगे। तो किसी भी किसान को किसी भी तरह की सहायता चाहिए, हाँ, अपना नंबर राहुल भैया डाल देंगे इसमें, किसी जो भी कुछ भी समस्या है फोन करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। कम से कम अपने घर के खाने के लिए गेहूं वगैरह और धान वगैरह, तो कम से कम अपने खाने के लिए प्राकृतिक। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जहर खा रहे हैं किसान, जहर जो खा रहे हैं, जहर डल रहा है, आने वाली बीमारियों से बचे। और अब भी आप देख रहे हैं हर घर में हर व्यक्ति बीमार है जहर डलने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है भैया जी का कि अपना जो है देशी गोवंश भी इस बहाने से आ जाएगा अपने घर में। हाँ जी। क्योंकि आधी बीमारी तो देखो ये देशी गोवंश खत्म कर देगा भाई। ये 24 घंटे तो देखो ऑक्सीजन छोड़ती है गाय। हाँ जी। 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है। बिल्कुल। गोबर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा। और दूसरी चीज कि आप फर्टिलाइजर जो ये आप गे रहे इंसेक्टिसाइड दवाई, सबसे पीछे छूट जाएगा, सबसे पीछे छूट जाएगा। अगर आपका खर्च बचेगा तो और बीमारी से बच जाओगे। दुगनी होने वाली बात है, वो ऐसे ही होगी। कोई भी सरकार ऐसा नहीं है कि आमदनी दुगनी हो जाएगी बोलने से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक चीज भैया जी आप बताओ, जैसा आप इससे गाय से जी गौमूत्र से एक तो घनजीवामृत तैयार कर रहे जी, एक जीवामृत, एक तो घनजीवामृत तैयार करते हैं हम, एक जीवामृत। ठीक है जी। जीवामृत जो तैयार करते हैं उसमें 10 किलो गाय का गोबर, ठीक है जी, 10 लीटर गाय का गौमूत्र जी, 2.5 किलो गुड़, 2.5 किलो बेसन और 500 ग्राम पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी, ठीक है, उसे 200 लीटर के ड्रम में डाल के 180 लीटर पानी भर लेते हैं। ठीक है जी। वो हमारा जीवामृत 10 से 12 दिन में तैयार हो जाता है, और गर्मियों में 6 से 7 दिन में तैयार हो जाता है खेत में प्रयोग करने के लिए। ठीक है जी। और अगर बात करें, ये तो हो गया आपका जीवन दत्त। हाँ जी। अगर जैसे कीटनाशक इतनी सारी बीमारी चलती है, उनके नियंत्रण के लिए आप क्या तैयार करते हैं? कीटनाशक के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अग्निअस्त्र हो गया जी, नीमास्त्र हो गया, ठीक है जी, जो सुंडी वगैरह है उनका अग्निअस्त्र इस्तेमाल करेंगे जी जी जी, और जो मक्खी मच्छर है, हाँ जी, और ये तितलियां हैं उनके लिए नीमास्त्र इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे गन्ने में सबसे बड़ी दिक्कत है फंगस आ रही है, हाँ जी हाँ जी, उस फंगस के लिए जो देसी गाय का मट्ठा हुआ है, हाँ जी जी, जो मट्ठा सड़ा हुआ मट्ठा होता है, हाँ जी जी, उस मट्ठे को इसकी स्प्रे करते हैं 100 लीटर पानी में 3 लीटर मट्ठा डाल के अगर स्प्रे करेंगे हम, तो फंगस 200 लीटर पानी में 6 लीटर मट्ठा अगर आप 5 बीघे पे स्प्रे करोगे, हाँ जी जी, तो फंगस हमारे खेत में नहीं आएगी। अच्छा, फंगिसाइड भी बता दिया आपने कीटनाशक के लिए। तो इसका मतलब कुल मिलाकर गऊ आधारित खेती में कोई समस्या नहीं आई? कोई समस्या नहीं है, पूरा बाजार से हमें कुछ नहीं खरीदना, सब सामान घर पे ही तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। तो भाइयों देखो ये जो है इनकी सामने गाय देख लो आप, मैं गोधन दिखाना चाहूंगा, ये हरियाणा नस्ल की है देखो। तो भैया जी इसे अभी लाए? हाँ जी, साल भर हो गया। इसे साल भर हो गया। पहले तो पिछली वीडियो में देखी थी हमने, 2 गाय थी ना आपके पास ना, वो भी थी परले वाली। ये भी भाइयों देखो, ये थार पारकर, तो उसमें कौन सा? उसमें नागौर हरियाणा मिक्स है। हाँ, उसमें नागौर हरियाणा मिक्स है। ये भाइयों प्योर हरियाणा है। तो ये भाइयों देखो शानदार गिर नस्ल की गाय है इनके पास में, और भाइयों इसी से जो है अपना पूर्णतः ये देसी अपना जहर मुक्त खेती कर रहे गन्ने की। तो देवेश भाई एक सवाल और आपसे,
जैसे आप गन्ना का उत्पादन आप कर रहे, हाँ जी, इससे आप क्या क्या प्रोडक्ट तैयार कर रहे जी आप? इससे गन्ना हम तैयार करके गुड़ और शक्कर तैयार करते हैं। अच्छा, गुड़ और शक्कर तैयार कर रहे हैं। गुड़ और शक्कर की डायरेक्ट मार्केटिंग है हमारी। जी जी, अभी ऑनलाइन तो हम उसको बेचते नहीं है, बाकी घर से ही, और जो डायरेक्ट मॉल वाले दुकान वाले हैं वो घर से ही ले जा रहे हैं। तो लगभग अपने कितना गन्ना गुड़ शक्कर के लिए लगा रखा आप? टोटली गन्ना हमारा है ही लगभग गुड़ शक्कर के लिए। बाई चांस मौसम खराब होने की वजह से कुछ जी जी। और कारण बन जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, तो कुछ गन्ना मिल पर डालना पड़ता है, लगभग सारा गुड़ शक्कर में ही निकल जाता है। अच्छा अच्छा, तो देवेश भाई इससे अलग और कौन सी फसल आप पूर्णतया कर रहे हैं? गन्ने के साथ हमने भी सरसों ली है। ठीक है जी। और जैसे अब हम असोज में गन्ना लगाएंगे, हाँ जी जी, उसके साथ चुकंदर लगा लेंगे। ठीक है, आलू एक खेत में आलू लगा लेते हैं। ठीक है, जो भी दूसरी फसल है वो हमारी गन्ने छह फसल के साथ में ले रहे। अच्छा, गेहूं भी ले रहे आप इसमें? हाँ जी, गेहूं भी ले। गेहूं में कौन सी वैरायटी आप लगाते हो? गेहूं में HD 30, 36, 30 बार एक बंसी वैरायटी, देसी वैरायटी थी वो लगाई थी। ठीक है जी, तो ये भी आपके पास में मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा। अच्छा, धान के लिए? बंसी तो नहीं है, वो खत्म हो चुका बंसी। ठीक है जी, और धान के लिए? धान वैरायटी धान नहीं लगा। अच्छा, धान नहीं लगाते अभी। तो कुल मिलाकर गुड़ शक्कर और अनाज? अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो इनकी जो पशुओं की अपनी खाने पीने की व्यवस्था है, ये भी अपना पूरी, ये पूर्ण ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है अपना चारा। चारा आप देख सकते हैं। हाँ जी जी, ये देखो, लोगों का कहना है कि चारा नहीं होता ऑर्गेनिक। हाँ जी जी, और अभी आपको हम खेत में दिखा भी देंगे चारा। जी जी, ये देख लो भाइयों, पूर्णतः ऑर्गेनिक चारा है, सामने काट रहे हैं ये। और तीन शानदार इनके पास में देसी गोधन है। तो भाइयों देखो, अभी तो मैंने भैया जी का पशुधन दिखा दिया, अब मैं भैया जी के एक बार कृषि यंत्र और दिखा दूंगा। तो सामने तो देखो भैया जी का मकान है, बहुत बढ़िया तरीके से नक्शे का मकान बना रखा अपना, नीचे बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी। और सामने से जो है, यहाँ देख लो, एक साइड से ही मैं दिखाना चाहूँगा, सामने कुट्टी मशीन होगी पशुओं के लिए, और गौमूत्र के लिए आप यहाँ ही गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर गड्ढा बना रहे हैं। अच्छा, ये गड्ढा बना रखा है, ये देख लो जी भाई, पूरी बढ़िया तरीके से व्यवस्था बना रखी है, देख लो जी अपना, ये वहाँ से बह के सारा गौमूत्र इस माल, हाँ इस गड्ढे में आ जाए। ये देख लो, इनकी अच्छी व्यवस्था कर रखी, बहुत बढ़िया। और एक साइड में देखो, पशुओं को जो गाय को अपने गोधन को चाहिए, कच्चे की व्यवस्था बहुत अच्छी, और बिल्कुल गाँव से जुड़े हुए। देखो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कर रखी भैया जी ने, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं कि आज के समय में ज़रूरत क्या है किसान की। तो भाइयों 60 साल की उम्र रहेगी, और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें प्राकृतिक खेती पे अपने खाने लायक आना पड़ेगा। और देवेश भाई हमारे प्रेरणा स्रोत है, जो कि लखनऊ तक जाके, बहुत अच्छा लगा, इन्हें योगी जी ने सम्मानित भी करा। तो अभी मैं भैया जी के सारे कृषि यंत्र दिखा दूँ आपको, ये देख लो, ये इनका मेड़ा है जो खेत को बराबर भी कर देता है, और ये मुझे लगा बहुत भारी फ्रेम में बना हुआ है, जगबीर मिस्त्री बनाया है। जगबीर मिस्त्री, हाँ जी, यहाँ पे भाइयों मीरापुर में जगबीर मिस्त्री के सारे उपकरण मिलेंगे। ये 7 फुट का रोटावेटर हो गया भैया जी के पास में, और भाइयों 60 ब्लेड का रोटावेटर, 60 ब्लेड वाला, अच्छा शक्तिमान का ही नहीं, सोनाली का सोनाली सीरीज का चैलेंजर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और भाइयों ये देखो, इसमें जो है ये अपना जीवामृत, घन जीवामृत, इस पर ले जाके इसे नक्के पे चला दो जी। हाँ जी, नक्के पे चला दो। ठीक है जी, ये भाइयों 500 लीटर का टैंक इसमें फ्रेम में फिट कर रखा है ना। सामने भाइयों ये देख लो, भैया जी का डॉलर हो गया। तो देवेश भाई ये जो आपने मकान बनाया है, ये कितना एरिया होगा आपका? ये मकान तो 250 गज में बना हुआ भैया। अच्छा, मकान देखो एक तरफ बिल्कुल सेपरेट बनाया आपने नक्शे का? हाँ जी, हाँ जी। और अपने फिर यो गांव के हिसाब से कच्चे की व्यवस्था अच्छी पशुओं के लिए करके, टोटल जो हमारी जगह है 1200 गज जी। तो भाइयों ये सामने देख लो, 910 का कल्टीवेटर हो गया, ये भी जगबीर मिस्त्री का ही है, ये 30 साल पुराना कल्टीवेटर, 30 साल पुराना, भाई वाह, आज तक बढ़िया चल रहा जी। हाँ जी, ये देख लो भाइयों 30 साल पुराना कल्टीवेटर हो गया इनका। और ये हो गया भैया जी के पास में ट्रॉली अपनी, ये ट्रॉली जी, ट्रॉली ये 7 फुट चौड़ी है, 12 फुट लंबी है। अच्छा अच्छा, ये कितने दिन पहले टायरों पे, कहाँ की? मीरापुर जगबीर की। ठीक है जी, और भाइयों ये भैया जी का देखो, ये ड्रम है घन जीवामृत और जीवामृत तैयार करने के लिए। अभी जो है भैया जी ने सारा जो है अपना यूज कर लिया खत्म है। और एक चीज और भैया जी बहुत एंटिक ले रहे, देखो हिंच वाली बुग्गी होगी इनकी भाइयों, फोर्ड ले रहे 3600, और बहुत ही साफ कंडीशन में है, और इसी के द्वारा अपनी सारी खेती कर रहे। तो देवेश भाई
अगर बात करें एरिया में कितनी जमीन में आप खेती कर रहे? 50 बीघे में। 50 बीघे में। तो ट्रैक्टर जैसा है आप फोर्ड चला रहे, कभी मन में नहीं आता कि भाई नया ट्रैक्टर कोई नई ट्रैक्टर? तो कभी मन में नहीं आया, और जैसे मैं देख रहा हूँ मार्केट में इसकी बराबर एचपी में जो ट्रैक्टर आ रहे हैं 50 HP कैटेगरी में, हाँ जी, इसका मुकाबला अभी कोई कर नहीं पा रहा। अब भी नहीं कर पा रहा। तो कौन सा मॉडल है भैया जी? ये 94 मॉडल है। अच्छा भाई, ये देखो 94 मॉडल ट्रैक्टर जो है कितनी अच्छी साफ कंडीशन में है, ये देख लो जी, बम्पर वम्पर लग रहा। एक बार इसकी आवाज सुनवा दो भाई, चाबी लग रही? भाइयों एक बार आवाज सुनवा दे फोर्ड की। भाइयों देखो, ये देखो भाइयों, गजब कर दिया जी, यो फुट की थी मारा, यो है गजब। हाँ बाजी कर दो जी। तो भाइयों ये ड्रम देख लो, इनमें अपना ये सब कुछ तैयार करते हैं, इन पर लिख भी रखा है, देख लो आप, ये देख लो जीवामृत, ये सब कुछ इससे देख सकते हैं आप। इसमें मात्रा लिख रखी इन्होंने, पूरा फार्मूला इन ड्रम पे है, ये देख लो, दूसरे वाले पे भी दिखा दूं मैं, और इस पे भी देख लो भाइयों, ठीक है जी। इधर अपना अपनी खेती संबंधी सामग्री के लिए एक तरफ अपना स्टोर टाइप बन रहा। अभी जो है भैया जी के मैं वे और दिखाना चाहता हूँ जो इन्हें इनाम मिला, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो और दिखाते एक बार। तो भाइयों देखो, भैया जी को ये शील्ड मिली यहाँ से, और ये एक इस पर लिख रहा है, देखो ये थोड़ा सा दिखा दूँ मैं, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश उत्कृष्ट कार्य योजना के तहत पुरस्कार। इस पर और बता दो, श्री देवेश आर्य पुत्र श्री जितेंद्र कुमार आर्य ग्राम नन्नी खेड़ा खतौली जिला मुजफ्फरनगर द्वारा वर्ष 2022-23 में युवा गन्ना किसान संघ के खेत में उत्कृष्ट कार्य किया गया, इस हेतु इन्हें उत्कृष्ट कार्य योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार ₹51,000 की शिखर चिन्ह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। संजय आर भूसा रेड्डी जी, ठीक है जी, ये देखो और ये सील्ड है भाइयों। तो देवेश भाई बहुत बहुत शुभकामना आपको, धन्यवाद भैया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा काम करा जी। तो भाइयों देवेश भाई से पूरी बात भी करवा दी मैंने, और बाकी की आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। ये सामने देख लो, ये भी लग रहा चौधरी कृपाल सिंह प्राकृतिक कृषि फार्म, जनक है पद्म श्री सुभाष पालेकर जी, और भाइयों प्रेरणा स्रोत है आचार्य देवव्रत माननीय राज्यपाल गुजरात के जी, ठीक है जी। ये इन पर जो उत्पाद अपने तैयार कर रखे हैं इन्होंने, गुड़ शक्कर युवा किसान, ये देख लो जी देवेश आर्य जी, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिख रहा है, और जिस भाई को जो है गुड़ शक्कर इनके पास में ऑर्गेनिक मतलब जो प्राकृतिक है बिल्कुल गन्ने से तैयार हुआ हुआ, उसके लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कोई जानकारी लेनी हो भैया जी की तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।